सो हेलो स्टूडेंट, अगर आप CMA फाउंडेशन, CMA फाइनल या CMA इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं जो दिसंबर 2021 या फिर CMA फाउंडेशन जनवरी 2022 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, अब आपका एक डाउट जो बिग डाउट है, सर मैं रिसिप्ट डाउनलोड करने जा रहा हूँ तो बहुत बड़ी इशू आ रही है, तो इस वीडियो में आप जान जाएंगे अपना CMA फाउंडेशन, CMA फाइनल, CMA इंटरमीडिएट का रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करना है। आपको पहले तो आपको ICMI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। स्टूडेंट वीडियो थोड़ी बड़ी होगी बट इन डीप होगी और आप अच्छे से देख लीजिए, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे ऑल के बटन पे प्रेस कर दे, बिकॉज हर नई आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी यहाँ से। सो आपको ICMA को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और वेबसाइट पर आने के बाद स्टूडेंट ऐसे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट का सेक्शन दिख जाएगा, स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ आप किस तरह डाउनलोड करते हैं एग्ज़ाम, अपना स्टेटस कि सर मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, मेरा रिसिप्ट कब मुझे रिसीव होगा। तो आपको यहाँ पे जैसे स्टूडेंट के सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो इधर एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन दिखता है, आपको एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दिखता है। ये प्रोसेस मैंने बहुत बार बता दिया मगर फिर भी एक बार और बता देता हूँ आपको, कन्फर्मेशन पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस बार। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन की लाइन पर जहाँ थर्ड है वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, उस पर आप क्लिक कर देते हैं। सिंपली आपका ये प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि आप इस गाइडलाइंस को स्टडी या फिर रीड कर चुके होंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोसीजर है कुछ। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और ये जो स्टूडेंट आप ये वीडियो कोई भी ईयर में देख रहे हैं, मैं ये वीडियो 2021 में बना रहा हूँ, आप किसी भी ईयर में देख रहे हैं, सेम प्रोसीजर होगा आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, सेम प्रोसीजर होगा आपका रिसिप्ट डाउनलोड करने का, रिसिप्ट स्टेटस या फिर आपका एडमिट कार्ड, तीनों इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे डाउनलोड करना। सेलेक्ट योर कोर्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सेलेक्ट करने इस ईयर में यानी 2021 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए अप्लाई किया था, फिर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए, जो 10 अक्टूबर लास्ट डेट था। अब ICMI ने कुछ प्रॉब्लम हो गया था वहाँ पे, तो फाउंडेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब फाउंडेशन का ऑप्शन आ रहा है। अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा, मैं उन लोग को बोलता हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं आप, फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो या फिर आप फाइनल का स्टूडेंट हो, तो जो भी स्टूडेंट हो आप, चलिए मैं एक फाउंडेशन के स्टूडेंट पर क्लिक कर देता हूँ फाउंडेशन, और फिर क्लिक हेयर का ऑप्शन है, क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड फ़ीस उसे क्या कितना फ़ीस लगेगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किससे पेमेंट कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग UPI क्या हो सकता है, लेट फीस भरूँ तो कितना भरना पड़ेगा, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही तो कौन सा साइट है, वो सब इधर पर मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से रीड करेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पे आप आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है। आप जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ पे आपको आपका करंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये स्टूडेंट 2021 की है या फिर का है, तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करके आप, मैं उसका समझ लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, और प्लीज़ चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे प्लीज़ चेक पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर लाइक टू एडिट प्रिंट योर एप्लीकेशन, आप प्रिंट चाहते हैं, यस चाहते हैं, फिर आपको यस वाले पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप जो भी आपका देख सकते हैं स्टूडेंट, ये अच्छे से आपको समझना है, इंटर योर लास्ट 4 डिजिट योर मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब ये डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, सर मैंने 2 डेट ऑफ बर्थ मनाती हूँ या फिर मनाता हूँ, एक तो मेरा जनवरी में आता है और सेकेंड वो मेरा है जो मेरे एक्चुअली में स्टूडेंट, ढेर सारे स्टूडेंट ऐसा डेट ऑफ बर्थ रखते हैं कि एक नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ होता है जो रियल होता है, और कुछ स्टूडेंट का जो इशू होता है सर्टिफिकेट पे, वो सर्टिफिकेट वाला अलग अलग ऐसे मनाते रहते हैं, तो आप वो डेट ऑफ बर्थ और अपना वो मोबाइल नंबर डालिए जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने यूज किया था, तो 4 डिजिट यहाँ पर अपना लास्ट मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल दिया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जैसे कि मैं इस स्टूडेंट का डाल रहा हूँ,
और ये जैसे ही आप डाल देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आता है। क्लिक हेयर पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सॉरी मिस्टेक हो गया। आप मोबाइल में भी कैसे चेक कर सकते हैं, मैं मोबाइल में बता रहा हूँ आपको चेक करने का प्रोसीजर। वेट अ सेकेंड स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, आप जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा। आप जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी इशू दिख रहा है कि सर यहाँ पे योर डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर नॉट मैच करके आ रहा है। स्टूडेंट, आप थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में, और जब ओपन होएगा तो मैं आपको वहाँ पे भी अनाउंस कर दूंगा कि कैसे प्रोसीजर है आपको डाउनलोड करने का। ये एक नॉर्मल आप इस तरह से डाउनलोड करते हैं अपना रिसिप्ट। अब और एक तरीका है स्टूडेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने का, उस तरीका को फॉलो करेंगे तो आप अपना रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। सो चलिए मैं आपको वो तरीका बता। तो ये नॉर्मल था, आप इस तरह से चेक करते थे तो आपका यहाँ पे आता था योर डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर नॉट मैच। अब चलिए मैं आपको वो बताता हूँ जिस हिसाब से आप अपना रिसिप्ट एंड एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन लेटर ऐसा करके आप तीनों डाउनलोड कर सकते हैं। वो क्या प्रोसीजर है चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ फिर से। स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। अब आपको रिटर्न ICMI के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कट पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट, देख सकते हैं नॉर्मल आप कट करेंगे स्टूडेंट का सेक्शन दिख जाएगा। आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसा ही स्टूडेंट के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, तो यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन दिख रहा है, प्रेसिडेंट डेस्क, चेयरमैन डेस्क। वैसे ही आप थोड़ा 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 स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एडमिशन दिखता है, और चेक यहाँ पे उसके नीचे आपको दिखेगा ऑनलाइन एडमिशन स्टेटस। आपको क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन स्टेटस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ऑनलाइन एडमिशन स्टेटस पे क्लिक करते हैं, ये वो स्टूडेंट भी चेक कर सकते हैं जो बहुत पहले एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, फिर वो लोग हार गए, थक गए कि सर अब मैं एग्ज़ाम देने लायक नहीं हूँ। बाद में फिर कॉन्फिडेंस आता है किसी को देख के कि मैं अब फिर दूंगा एग्ज़ाम या दूंगी। वो स्टूडेंट यहाँ से अपना जो भूल गए रहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसी वही रूल आप फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिए अपना, एंड एप्लीकेशन नंबर भी डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों ऑप्शन है। आप एप्लीकेशन नंबर डालो या रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये भूल गए आप तो और एक आपको ईमेल आईडी डाल दीजिए या मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, अपना पहले आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ। आप जैसे सबमिट करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उस स्टूडेंट का पूरा डिटेल शो कर रहा है, एप्लीकेशन नंबर। यहाँ से ही आप डाउनलोड करेंगे अपना आइडेंटिटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन लेटर एंड पेमेंट रिसिप्ट। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि सर ये क्या है ये सब, और कैसे डाउनलोड कर लेना है। आप आई होप आप समझ गए होंगे, यहाँ से एक कार्ड दिख रहा है आपको, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन लेटर और पेमेंट रिसिप्ट। इसी पर आपको क्लिक करके ये PDF डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। अब मैं ये बता देता हूँ, इसके बाद आपके जो भी क्वेरीज आ रहे होंगे मन में वो भी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपका पेमेंट स्टेटस बताता है अटैचमेंट एंड इनकम्प्लीटेड, देन आपको क्या करना है, पेमेंट अटैचमेंट इनकम्प्लीटेड लिंक टू प्रोसीड, आपको ये फिलअप करना पड़ेगा। जैसे इफ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस प्रोसीड बता रहा है। अब बहुत सारे लोग का यहाँ पर अटैच इनकम्प्लीट, अब ये अटैच इनकम्प्लीट क्या है, सर मैंने 10th और 12th का अटैचमेंट जो सर्टिफिकेट होता है फिर वो सबमिट नहीं किया था। 10th का तो हो जाएगा, 12th का, मैं सर 12th में हूँ और अभी से ही मैं CMA फाउंडेशन कर रहा हूँ, तो रिजल्ट नहीं आया था उस टाइम पे, मैंने अटैचमेंट नहीं किया। अब आपको आ गया है तो अटैचमेंट करना पड़ेगा। एंड सेकेंड, इफ स्टेटस शो पेमेंट इनकम्प्लीटेड, अब ये सर क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया बट पेमेंट आपका अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, देन क्लिक पेमेंट इनकम्प्लीट लिंक टू प्रोसीड। जैसे यहाँ पे पेमेंट रिसीव दिख रहा है, जब आपका यहाँ पे पेमेंट इनकम्प्लीट रहेगा, आपने रजिस्ट्रेशन खाली किया और पेमेंट नहीं किया है और आपके अकाउंट से कट गया है, तो घबराने की बात नहीं, आपका पेमेंट जो होगा आपका रिफंड, बैंक रिफंड कर देगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा वो पेमेंट, तो आपको पेमेंट रिटर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और ख़ास बात बता है, बहुत सारे स्टूडेंट, सर मैं क्विक रजिस्ट्रेशन कर लिया और क्विक मेरा रिसीप आना चाहिए। स्टूडेंट, ये वाला जो होता है ना क्विक रिसिप्ट आना चाहिए, CA फाउंडेशन का ही
सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट जब एग्ज़ाम फॉर्म भरता है तो उसका पेमेंट रिसिप तुरंत दिख जाता, तुरंत आ जाता होम स्क्रीन पे और वो डाउनलोड कर लेते हैं। बट सीए में फाउंडेशन का कुछ क्या है इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, इन एनी सर्कमस्टेंस डू नॉट पे अगेन आइदर रिसिप्ट कॉपी जनरेट और नॉट और एरर मैसेज इज सो वेट। अगर आपका मैसेज एरर दिखा रहा है, कुछ इशू हो रहा है, आपको कुछ 2-3-5 डेज के वर्किंग डे में आपको वेट करना है, आपका रिसिप्ट आ जाएगा आपके होम स्क्रीन पे। अब थर्ड वाला क्या है, इफ़ स्टेटस सो अप्लाइड मीन योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब कि अगर आपका स्टेटस शो कर रहा है अप्लाइड तो आप योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब लास्ट प्रोसीजर जो कि ये स्टूडेंट का आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है क्या है, इफ स्टेटस सो प्रोसीज्ड मीन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड डाउनलोड योर आइडेंटिटी कार्ड रजिस्ट्रेशन लेटर और आप अपना रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से। अब सर एक बार फिर से बताओ ना, मुझे समझा नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपका यहाँ भी देख सकते हैं प्रोसीड बता रहा है स्टेटस, मतलब आपका सब अटैचमेंट हो गया है, आपने मार्कशीट अपना सब अपलोड कर दिया, आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है सब, मीन ये तीनों प्रोसीजर आपका हो गया है। अब आपका लास्ट प्रोसीजर खाली अगर प्रोसीड बताता है तो आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन लेटर, आपका पेमेंट रिसिप्ट तीनों डाउनलोड हो चुका है। अब आपको सिंपली जो भी ये दिख रहा है आइडेंटिटी कार्ड वाला पीडीएफ, इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन लेटर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, पेमेंट रिसिप्ट क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के टाइम कुछ स्टूडेंट को, जो नए स्टूडेंट होंगे वहाँ पर पॉप करके ऑप्शन आ रहा होगा, तो प्लीज़ अप्लाई अलो कर दीजिए उसको, उससे कोई इशू नहीं होता, आप डाउनलोड कर लीजिए। आई होप आपके सारे क्वेरीज, सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे कि कैसे डाउनलोड करना है अपना रिसिप्ट, आइडेंटिटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन लेटर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज करके आप अपने सारे डाउट्स एंड क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो ही खत्म होता है स्टूडेंट, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे ऑल पे बटन पे प्रेस करना ना भूले। और इस वीडियो को अपने जास्ती से जास्ती सीएमए फ्रेंड हो गए, सीएमए इंटरमीडिएट फाइनल या फिर फाउंडेशन के स्टूडेंट है, फ्रेंड है, तो उनको जास्ती से जास्ती शेयर करना ना भूले, बिकॉज आप शेयर करेंगे तो वो स्टूडेंट भी फाइंड आउट कर पाएंगे कि सर कैसे डाउनलोड करना है अपना रिसिप्ट, रजिस्ट्रेशन लेटर और पेमेंट। थैंक यू स्टूडेंट।